और गाइस इन टर्म में हालत भी खराब हो गई है। हिमाचल में पहला बंदा जो मिल गया, और भाई ने हमारी स्टोरी देखी, आपने फेसबुक पे देखी, जहाँ सफर था दिन के 12 बजे हमें पहुँचना था, और अभी टाइम देख रहे हो 3 बज गए भाई। और यहाँ देख रहे हो भाई कब से ढलान उतर उतर के थक गया। अब अगर चेक कर लिए भाई, चलो भाई चले चलो। और यहाँ से अगर देखा जाए ना, यहाँ से अम्बाला बिल्कुल पास में है। अम्बाला यहाँ से 62 किलोमीटर, और हम तो अम्बाला आए नहीं, क्योंकि गाइस अगर हम अम्बाला आते ना तो हमें एक्स्ट्रा सफर पड़ना था, इसलिए हमने मतलब अम्बाला वगैरह हमने टच किया ही नहीं, सरहंद वगैरह टच किया ही नहीं। तो वापसी पे देखेंगे कहाँ से माल बन रहा है, अगर अम्बाला से बन रहा है तो यहीं से सीधा निकल जाएंगे अम्बाला, वहाँ से भर के निकल जाएंगे। और गाइस अपने बादशाह में थोड़ा सा काम करवाएंगे अपने सरहंद से। और आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, 1-2 महीना या 2.5 महीना या 3 महीना या सीजन के बाद ही अपने बादशाह को लगाने वाला हूँ, फुल बाई फुल मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से कर लिया हमने राइड स्टार्ट हिमाचल की। भाई देख रहे हो ये जो सफ़र होने वाला है ना भाई, ये ना एक किस्म से डेंजरस भी बोल सकते हैं, और ऊपर से ना मज़ेदार भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा टर्न ही टर्न है भाई, बहुत ज़्यादा टर्न है, देख रहे हो। हमारी एंट्री हो चुकी थी हिमाचल में। जैसे आपने देखा हम हिमाचल से थोड़ा ही आगे आए थे भाई, यहाँ एक सीन हो चुका है, यहाँ ना मतलब फास्टैग वाला टोल नहीं है, मतलब यहाँ कैश देनी पड़ती है। और गाइस हम अपने पास कैश रखते नहीं है भाई, क्योंकि हमें अगर कुछ लेना हो स्कैन कर देते हैं, क्योंकि कैश गाड़ी में रखना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर कैश रखोगे ना चोरों की नज़र रहती है, फिर कुछ ना कुछ लूट जाता है, आपको पता भी है कैश नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे पास खर्चा था 1000-2000 रुपये, वो तो हमने आते आते ही खर्चा कर दिया भाई। तो भाई ने बोला भाई अगर कैश होती तो दे देते, फिर भी भाई ने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, एडजस्ट कर लिया, थैंक यू सो मच। मैं पहले भी बोलता हूँ हिमाचल पुलिस भी अच्छी है, हिमाचल के लोग भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं भाई। तो चलो अपना कार्ड बार स्वाइप कर लिया, यहाँ से फास्टैग पर पैसे कटवा लिए, अब निकलते हैं भाई सीधा, और आपको दिखाएंगे आगे वाला सफर। भैया गर्मी से हालत हो चुकी है भाई ख़राब, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि यहाँ ना हीट गाड़ी बहुत ज़्यादा छोड़ रही है। और मैं दिखा रही हूँ भाई, वैसे आज शुक्र भाई हमारे पास एटीएम था, नहीं तो बड़ा मसला हो जाता है। ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई, क्या बात है, ये रोड में बना हुआ है। और जो भाई यहाँ से देख रहे हैं ना भाई, ये बता ना ये क्या बना हुआ है, इसकी समझ नहीं आई मुझे। सीज़न में भी ऐसा होता है, क्योंकि सीज़न में ना ये वाली रोड सारी टूटी हुई थी। और भाई जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखे वो देख लो, जब एप्पल सीज़न में यहाँ आया था ना मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, मैं सिर्फ यहाँ एक चक्कर दिया था, दूसरे के लिए नहीं आया था, क्योंकि भाई आपको पता भी हम अपने बादशाह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कंटेंट के चक्कर में हम कहीं भी चले जाए और हमारी गाड़ी की हालत ही ख़राब रहे, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, अच्छी जगह चलाएंगे। और यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ रहा बोर्ड भाई शिमला का, ये रहा शिमला का बोर्ड भाई, यहाँ से शिमला सीधा। और परवानू नाम सुना होगा काफ़ी भैया ने, परवानू मंडी है ना भैया, परवानू मंडी है ना, मंडी है हाँ, परवानू मंडी यहाँ पे आ गई। और भाई वहाँ देख रहे हो दिल्ली और शिमला का बोर्ड लगा हुआ है, तो काफ़ी भाई यहाँ घूमने आ रहे हैं टूरिस्ट भाई। वैसे देखा जाए तो अपना हिमाचल भी बहुत प्यारी जगह है, जैसे कश्मीर है ना वैसे हिमाचल भी बहुत प्यारी जगह है। 37 किलोमीटर आपको जो भी घर जो भी होटल मिलेगा ना, ऐसे पहाड़ों के बीच मिलेगा भाई, देख रहे हो वहाँ देख रहे हो वो वाली शॉप, वो भी पहाड़ों के बीच में ही है। मतलब जैसे बाहर देखा जाए ना, अगर बाहर अगर मकान होगा ना वो प्लेन जगह होता है, यहाँ पहाड़ों के बीच। और भाई यहाँ रहने का ना कुछ अलग सही मज़ा है, बस जब बारिशें वगैरह होती है ना तब बंदे को डर वगैरह लग जाता है, जब बारिशें वगैरह होती है तब डर लगता है कि पत्थर वत्थर ना आ जाए, क्योंकि एप्पल सीजन में हम आए थे ना हमारी हालत भी ख़राब हो चुकी है भाई, बोल रहे थे तब तो मुझे डर लग रहा था इस रोड से, लेकिन आज ना इस रोड पर सुकून है भाई। तुम्हें हमें हाथ ही दिख गया भाई, देख रहे हो क्या बात है भाई, क्या बात है, हाथी देखा भाई, यस हिमाचल में सोचा नहीं था हाथी भी मिलेगा। तो गाइस अगर घरों की बात की जाए अच्छे वाले हैं भाई, देख रहे हो ये भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, मतलब बंदा जो नया बंदा देखेगा ना वो सोचेगा कि पहाड़ों के बीच पता नहीं हमने कैसे मकान बना लिए भाई। वहाँ देख रहे हो ये वाली चीज़ चेक कर रहे हो भाई, यहाँ देख रहे हो जो होटल वगैरह जो भी मिलेगा ना आपको सारे पहाड़ों के अंदर मिलेगा, देख रहे हो भाई कितना प्यारा होटल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने कश्मीर में वापस आ गए। और इस रोड
रोड की ना एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ जो घोड़े आ रहे हैं ना उनकी हालत देख लो भाई, ये रही उसकी हालत, मतलब पूरा जोर लगा हुआ इंजन में, देख रहे हो भाई। इसलिए हिमाचल जो आ रहे हैं ना भाई, घोड़े वाले या लंबी गाड़ी वाले या बड़ी गाड़ी वाले, सोच समझ के आओ भाई। हम पहुंच चुके हैं फिर से टूल पे भाई, हिमाचल की समझ नहीं आई। 20 किलोमीटर बाद आ रहे हैं ना भाई, आगे और 20 किलोमीटर बाद आ रहे, थोड़ी आगे ले लो, हाँ खुल गया, इसको बोलते हैं भाई टूल काट रहे हैं, जल्दी खुल गया। और ये ना पहला टूल हमें दिखा हिमाचल में जो मतलब ऐसा है कि इसमें फास्टैग वगैरह कट हो रहा है, नहीं तो पैसे यहाँ देने पड़ते हैं भाई। कितने किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर के बाद हमें टोल मिल जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे टोल थोड़े दूर दूर लगने चाहिए, यहाँ पे पास पास ही भाई, क्या ही करें यार, हर जगह लुटा ही जा रहा है। तो फाइनली टनल का वेट कर रहे हैं, यहाँ टनल आएगा हमें नहीं आता है ना यार, एक जगह ऊपर है। अच्छा अच्छा, टनल का वेट कर रहा था मैंने, यार टनल मिलेगा। और भाई गाड़ी की हीट ना बहुत ज़्यादा है, मतलब फेस जल रहा है यार। प्लेन में चलते हैं फिर भी गर्मी, यहाँ चलते हैं फिर भी गर्मी, कुछ समझ नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। आराम से भाई देख के, छोटी गाड़ियों वाले देख नहीं रहे, थार वाले भैया तो बिल्कुल मानते ही नहीं आज। बाइक की वजह से ना हमें सफर का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है भाई। अभी भाई बोल रहा था यार, ऐसा लग रहा है कि हमने 20-25 किलोमीटर सफर कर लिया और सफर हमने किया सिर्फ 2 किलोमीटर पार भाई। क्या ही करें भाई, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है हमारे साथ यार। ये वाली चढ़ाई ना बहुत खतरनाक है, हमारे कश्मीर की रोड इससे बेहतर है। ये नहीं है कि बुरी वाली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब चढ़ाई के हिसाब से वो ठीक है रोड ना। किस्मत हमारी अच्छी है भाई, हम नो एंट्री में घुस गए थे लेकिन बच गए, किसी ने पूछा नहीं भाई। यहाँ देख रहे हो हमें फ्लाई ओवर के ऊपर से आना था लेकिन हम गलती से फ्लाई ओवर के नीचे से आ गए। ऐसा लग रहा है यहाँ, चलो 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 नहीं नहीं गाड़ी में राजगढ़, हमें जाना है राजगढ़। और सोलन सिर्फ रह गए 7 किलोमीटर, अब सोलन वाली सिटी पार करके सीधा राजगढ़ पहुँचेंगे। तो भाई सोलन सिटी से पहले हमने टर्न ले लिया नीचे वाली साइड, और भाई यहाँ देख रहे हो पूरी डलान है भाई, खतरनाक वाली डलान। और ऊपर से ना एक चीज़ है, यहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं है भाई, देख रहे हो जो गाड़ियाँ लगी है ना वो बिल्कुल रोड पे लगी हुई। और यहाँ देख रहे हो भाई कितना खतरनाक टर्न है भाई, ओए होए होए उसी हिसाब से देना भाई। और मुझे लगता है हमारी गाड़ी रुकेगी कहीं, रोक के आराम से गाड़ी का ना मतलब चक्के वगैरह ठंडे करके फिर निकलेंगे। क्या बात है, ठीक है, दूसरे भी लाइट्स वगैरह देख लेना। ये वाले रोड में ना कभी देखी नहीं थी ऐसे डेंजर हो गए। चलो अब थोड़ा सा नीचे उतर गए, अब भाई कोई टेंशन नहीं है, अब सीधा आ जाएगा। सोचा भी नहीं था भाई कि इतनी डेंजर रोड होगी, मतलब छोटे छोटे कर्व और रोड भी छोटी सी, अगर दो गाड़ियाँ एट अ टाइम कोई इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए ना तो गाड़ी रुक जाती है, मतलब गाड़ी वहाँ से ना आगे के लिए ना पीछे के लिए। और अगर कोई भाई बाहर से आ रहे हैं ना वो होटल भी ले सकते हैं भाई, मतलब ऐसी हिमाचल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ होटल वगैरह आपको ना मिले भाई रहने के लिए। यहाँ देख रहे हो यहाँ भी होटल है, और ऐसे ऐसे पहाड़ में होटल है ना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ देख रहे हो वहाँ भी होटल है, वहाँ ऊपर देख रहे हो मतलब ये सारे होटल वगैरह बने हुए हैं, वहाँ देख रहे हो वो ऊपर होटल, ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा इधर पहाड़ी पे होटल होगा। और हम इधर से ना नीचे टर्न ले लिया हमने क्योंकि हमें नीचे ही जाना। और भाई मुझे लगता है ये वाली रोड ना सारी टूटी फूटी है, ये भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख रहे हो यहाँ से 3 रोड आ गई ना सारे राजगढ़ जाना। अपने लिए भी ले आओ, एक चीज बोल देता हूँ भाई, आज है ना हमारा बादशाह भी थक गया और हम भी थक गए सफर में, तो अभी एक जगह रुके मस्त कुलचा भाई, यहाँ भाई बना रहा था देख रहे हो छोले, और ये मेरा फेवरेट है भाई, कुलचा बना रहा था भाई ने, बोला हिमाचल आया तो कुलचा खा लेते हैं भाई, ठंडी ठंडी हवा वैसे भी चल रही है भाई जी, ये कुलचा मुझे पकड़वाया भाई ने। तो यहाँ से निकलेंगे आगे क्योंकि अपना एक भाई आगे गया, वो वेट कर रहा है, उनसे मिलेंगे उसके बाद पहुँचेंगे अपने सीधा सफर पे, क्योंकि गाइस रात को यहाँ से निकलेंगे और रात को ना रश नहीं होगा रोड पर, रात को आराम से निकल जाएंगे। चलो पहले ये टेस्ट कर लेते हैं भाई फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दिन के ना 2:30 बजने वाले और अपने भाई मिले हिमाचल में, पहला बंदा जो मिल गया। और भाई ने हमारी स्टोरी देखी, आपने फेसबुक पे देखी, फेसबुक पे देखो भाई, फेसबुक पे मैं बोल रहा हूँ ना, काफ़ी भाई मुझे ना फॉलो वगैरह नहीं करते फेसबुक का, उनको पता भी नहीं है कि मैं फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ। एक्चुअली ये समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ और जो भाई गाड़ी चलाते हैं वो समझ सकते हैं कि हमारा ना मतलब कुछ ऐसा टाइम है कि एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी एक दो दिन, क्योंकि यहाँ से आना फिर वापस जाना बिजी। अपने भाई क्या नाम है आपका? अमित भाई। यहाँ मिले अमित भाई को, जाना था वहाँ से नीचे जाना था उस साइड, और भाई ने हमारी गाड़ी देख के और यहाँ गाड़ी खुले में लगाई
देखो भाई को पता था कि राजा भाई खुले में गाड़ी लगाएंगे, आराम से बात कर सकेंगे, फिर जाएंगे भाई। और वैसे भी हमारी भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि ना आप थोड़ा लेट पहुँचो यहाँ 3 बजे, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा अमित भाई से मिलकर, शुक्रिया भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला। भाई ने उधर से जाना था और भाई यहाँ आ गया, यहाँ से गाड़ी घुमा के भाई ने लगाई और भाई के पास ये गाड़ी है भाई, ये देख रहे हो। हिमाचल में मैक्सिमम ये छोटी गाड़ी चलती है क्योंकि इसका ना यहाँ काम है, और ऊपर से ये छोटी छोटी रोड है ना, और ये वाली गाड़ी यहाँ काम आ रही है। चलो अमित भाई अच्छा लगा आपसे, मिलेंगे फिर से मिलेंगे। और ये रही भाई की गाड़ी, भाई देख रहे हो हिमाचल में ना इस चीज़ का काम बहुत बारीकी से हो रहा है, ये देख रहे हो, मतलब टेपिंग वगैरह होती है ना वो बारीकी से, वो उठती नहीं है जल्दी जल्दी। और भाई की गाड़ी भी बहुत सुंदर है। चलो रब सलामत रखे मेरे भाई को भी और गाड़ी को भी, फिर मिलेंगे ठीक है अमित भाई, क्योंकि हमें जाना है इधर से, कितना दूर है हमारा स्टोर, थक गया यार। राजगढ़ यहाँ 30 किलोमीटर है अभी, और भाई अभी 30 किलोमीटर और है। वहाँ क्या मंडी है कोई? क्या मंडी भी है लहसुन की? चलो तो भाई से रास्ता वगैरह हमने पूछ लिया अमित भाई, ठीक है फिर मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, भाई को बोलेगा भाई ठीक है भाई, बाय बाय मेरे भाई, फिर मिलेंगे। ये रही भाई की गाड़ी, देख रहे हो भाई। और ये वाली चीज़ भाई ने इसलिए बांध दिया, जब ये कुछ माल लोड करो ना इसमें ये वाली चीज़ लगाते हैं, लाल कलर वाली, मतलब खतरा इसका समझ लेना, लाल चीज़ वाली खतरा है। ठीक है अमित भाई, बाय बाय। तो चलो गाइस अपनी गाड़ी में बैठते हैं भाई, अब रास्ता भी भाई से पूछ लिया और लोकेशन भी मंगवा ली हमने, फिर जाएंगे सीधा भाई वहाँ चल के रेस्ट करेंगे, वीडियो वगैरह भी एडिट करेंगे। चलो जी गाइस, इन टर्म में हालत भी ख़राब हो गई है भाई, ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती है भाई हमारी यहाँ ना। और रब का शुक्र है कि हमारे पास माल ना बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो आज हम यहाँ बुरी तरह फंस जाते। चलो फिर भी भाई देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, और क्योंकि बार बार 20 मिनट 30 मिनट शो हो रहे हो यार, कुछ समझा। हमने भाई ने हमें लोकेशन भी भेजी हुई है, बट हमें समझ नहीं आ रही है भाई कितना टाइम लगेगा, कौन से रास्ते से जाएँ। यहाँ रास्ते भी अलग अलग से छोटे छोटे रास्ते भी हैं, और गाड़ी भी आपको पता है हमारी 25 फुट है, कहीं फंस जाए कुछ दिक्कत हो जाए, इससे बेहतर है हमें एक टैंकर चल रहा है इसके साथ साथ चल रहा है। जहाँ सफ़र था दिन के 12 बजे हमें पहुँचना था, और अभी टाइम देख रहे हो 3 बज गए हैं भाई। और यहाँ देख रहे हो भाई कब से ढलान उतर उतर के थक गया, अब गाड़ी के गर्म हो जाते हैं भाई, आपको पता भी है जब ढलान वगैरह बंदा उतरता है ना तब व्हील वगैरह पूरे गर्म हो जाते हैं। देख रहे हो भाई भी काट काट के गाड़ी थक गया, अब यहाँ से सिर्फ रह गया 16 किलोमीटर भाई। तो गाइस चेक कर रहे हो भाई हमारा सफ़र है यहाँ से 10 किलोमीटर, और पहाड़ देख रहे हो भाई, पहाड़ी पहाड़। और गाइस मुझे ना ये वाली जगह बहुत पसंद आई नीचे, देख रहे हो भाई दरिया के साथ साथ, भाई भी आज मोड़ काट काट के थक गया, मैं बोल रहा कि राजा भाई बहुत ज़्यादा मोड़ काट गया यार, परेशान कर रहे यार। दो। 4 बज चुके हैं भाई और हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने स्टेशन पे। ये रहा भाई का घर, गोदाम भी यहाँ पे है, हमने गाड़ी यहाँ पे कर ली पार्क अपने भाई। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार भाई। संजीव भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। देखो हिमाचल में हमेशा मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, पुलिस वाले भी मुझे अच्छे लगे और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इंसान को इंसान समझ कर देखते हैं। और हम यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं क्योंकि आज हमने खाना नहीं बनाया, और ऊपर से लहसुन लोड था, हम कहीं रुके भी नहीं भाई। तो अब हमने यहाँ से जाना सीधा होटल है, होटल पर खाना वगैरह खा लेते, उससे पहले रखते अपना कैमरा वगैरह गाड़ी में, वापस आके वीडियो वगैरह एडिट करके डालनी है भाई, आपको पता भी है। और अपनी गाड़ी ना वॉश नहीं हुई है काफ़ी दिनों से भाई, आप बोल रहे हैं कि राजा भाई क्या हालत कर रही है भाई, देखो कलर वलर भी चेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो। चलो कैमरा वगैरह रखते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं खाना वगैरह खा के फिर आते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं भाई, और हमारी गाड़ी अनलोड आधी हो चुकी है भाई, मैं तो सो गया था, भाई भी सो गए थे, क्योंकि यहाँ ना थोड़ी सी धूप लग रही थी भाई। देखो अपने कश्मीर जैसा मौसम नहीं है भाई, हमारे कश्मीर जैसा मौसम कहीं भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कूलर वगैरह तो हमने लगा के रखा हुआ था, और अभी मैं उठा और बाहर मैंने देखा अंधेरा भाई, देख रहे हो बाहर अंधेरा हो गया हुआ, और गाड़ी अपनी अनलोड हो रही, देख रहे हो वहाँ रहा गोदाम भाई, अनलोड कर रहे हैं, तो भैया अनलोड करवा रहे हैं वो अभी अभी उठ के गए। तो यहाँ से हम निकल के वापस जाएंगे, या चंडीगढ़ जाएंगे, या जाएंगे पंजाब लुधियाना में, या जलंधर में, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि मुसाहिब भाई से बात होती है वो बताएंगे। तो करते साथों साथ सुबह आपको यही, क्योंकि इस वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।